सभी का आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का आज आखिरी दिन है। आज हरिद्वार जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम हरिद्वार में होटल भागीरथी का करेंगे उद्घाटन। ये बड़ी जानकारी। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की मौजूदगी भी होगी। इसके अलावा और भी तमाम बड़े मंत्री, बड़े नेता, बड़े चेहरे इसमें पहुंचेंगे, इस पूरे कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। यूपी उत्तराखंड के कई मंत्री शामिल होंगे ऐसी जानकारी है। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का आज आखिरी दिन और आज क्या कुछ खास रहने वाला है, इसकी हर एक जानकारी सुबह से हम आपको दे रहे हैं। दरअसल आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों को लेकर समझौता होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच ये समझौता होना है। हरिद्वार में बना अलकनंदा होटल आज उत्तराखंड के हवाले होगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भागीरथी पर्यटक आवास का उद्घाटन करने वाले हैं और इसके लिए वक्त बताया जा रहा है कि सुबह योगी आदित्यनाथ 11 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बीच हुए परिसंपत्ति बंटवारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने होटल अलकनंदा को उत्तराखंड को सौंप दिया है और वहीं अलकनंदा होटल के बराबर में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भागीरथी होटल का निर्माण करवाया है, जो देखिए जिसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ आज करने वाले हैं। हरिद्वार पहुंचेंगे सुबह 11 बजे का वक्त है, 9 बज गए हैं, 2 घंटे के बाद की तस्वीरें सामने आनी शुरू हो जाएंगी जब हरिद्वार पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ और वहां पर पहुंच करके सिलसिलेवार तरीके से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। अब इसी खबर पर कुछ बारीकियां हैं वो भी आपको दे दें, वो भी बता दें आपको। यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच विवाद था, 21 सालों से परिसंपत्ति विवाद लटका हुआ यूपी उत्तराखंड के बीच में। अब 20,000 करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश के अधीन थी और देखिए 2017 के बाद विवाद सुलझने की राह आसान हुई क्योंकि दोनों ही जगह यूपी उत्तराखंड में भाजपा की सरकार। 2017 में दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनी और केंद्र में भी 2014 से भाजपा की ही सरकार है और इसीलिए ये राह आसान होती चली गई। दोनों प्रदेशों के बीच में मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता हुई और 18 नवंबर 2021 को दोनों सीएम के बीच में बैठक हुई थी। 17 अगस्त 2019 में मुख्य सचिवों की बैठक हुई। दोनों प्रदेश के बीच आवंटन का मसला खत्म हुआ। बैठक में अधिकतर मामलों पर सहमति बन गई दोनों राज्यों के बीच में और देखिए यूपी ने होटल अलकनंदा उत्तराखंड को सौंप दिया है और अलकनंदा के बगल में ही बना हुआ है भागीरथी होटल। 21 साल के बाद मसला हल हो गया है और धामी ने कहा कि 21 साल का विवाद बस 20 मिनट में ही निपट गया, 20 मिनटों में ही निपट गया। अब देखिए लंबे वक्त से विवाद था, सरकारें आई सरकारें गई, कई सरकारें बनी लेकिन इन परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो पाया। जो विवाद लटका हुआ था, अटका हुआ था, वो विवाद अब जाके खत्म हो रहा है। अब इसी पर यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी मौजूदगी हरिद्वार में ही है। वीरेश जी वहां पर सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा किस तरीके से कार्यक्रमों की शुरुआत होनी है, कितने बजे योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे, कौन कौन पूरे कार्यक्रम के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। देखिए आपने पूछा कब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, 11:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, मंच सज चुका है। देखिए जो अधिकारी हैं वो लगातार प्रयासरत हैं कि बेहतर कार्यक्रम हो सके और ये देखिए एलईडी लगी हुई है और यहाँ पर इस हरिद्वार के कार्यक्रम की वो तमाम जो रूपरेखा है उसे भी चलाया जा रहा है, गंगा आरती से लेकर सब कुछ मंच सजा है और साथ ही साथ कुर्सियां भी लग गई हैं। और ये कुर्सियां देखिए, ये जो कुर्सी है भगवा वाली ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है और बगल में जो सफ़ेद वाली कुर्सी है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी की है और ये देखिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए ये कुर्सी है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पूर्व मुख्यमंत्री सांसद हरिद्वार के लिए ये कुर्सी है। जयवीर सिंह जो पर्यटन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के ये उनकी कुर्सी है। सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री हैं उत्तराखंड के, उनकी कुर्सी है। इसी तरीके से उत्तराखंड के मंत्री हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल, धन सिंह रावत, गणेश जोशी, ये सारे
जो लोग हैं, प्रमुख सचिव पर्यटन संस्कृति मुकेश मेश्राम भी पहुंच चुके हैं, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी पहुंच चुके हैं, कपिल देव अग्रवाल की कुर्सी है, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व्यावसायिक शिक्षा, ब्रजेश सिंह राज्य मंत्री हैं लोक निर्माण, मदन कौशिक हैं विधायक और अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। तो ये जो आप पूरा मंडप देख रहे हैं वो साज सज्जा अधिकारी यहाँ का जायजा ले रहे हैं, व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि इस कार्यक्रम को भव्य और बड़ा बनाया जाए। और ये देखिए, ये सारे साधु संत सन्यासियों की बैठने की व्यवस्था है, स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज के बैठने की है, महंत हरिगिरी जी महाराज का है, रविंद्र जी पुरी महाराज का है, महंत ये सब अखाड़े के लोग हैं, अखाड़े के लोगों के बैठने की भी तमाम आप देखिए कि साधु संत सन्यासियों की बैठने की यहाँ बेहतर व्यवस्था की गई है। यूपी सिक्योरिटी, यूपी सीएम सिक्योरिटी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, तो साथ ही साथ यहाँ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी हमें दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और अवनीश अवस्थी को भी आप देख सकते हैं, ये लोग यहाँ निरीक्षण में लगे हुए हैं, और पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश के जयवीर सिंह जी वो भी निरीक्षण कर रहे हैं। मंत्री जी इधर अगर आप अपना चेहरा करें तो और बेहतर खूबसूरत और चमकीला आएगा, बताइए बहुत खूबसूरत भागीरथी बना है। बिल्कुल खूबसूरत भागीरथी, खूबसूरत उत्तराखंड, पवित्र धरती पर हमारे माननीय अवस्थी जी की उपस्थिति में और दिशा निर्देशन में सभी चल रहा है। भव्य और दिव्य लोकार्पण आज आदरणीय योगी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी की उपस्थिति में उनके कार्यक्रमों से हो रहा है। और ये ऐसा अनूठा उदाहरण है जिसमें दोनों स्टेट का एक ही कैंपस, दोनों स्टेटों का, एक तरफ अलकनंदा और एक तरफ भागीरथी, अनूठा उदाहरण, दोनों सरकारों के सामंजस्य का प्रतीक। जाहिर सी बात है, एक तरफ अलकनंदा, एक तरफ भागीरथी, एक तरफ जयवीर सिंह जी, एक तरफ अवनीश अवस्थी जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। अवस्थी जी, इस पूरे कार्यक्रम को मैं देख रहा हूँ कि सुबह से आप निरीक्षण कर रहे हैं कि यहाँ फूल लगाया जाए, यहाँ बैठने की व्यवस्था की जाए, कहाँ सिक्योरिटी होगी, ये जो 2.5 साल में बन के तैयार हुआ, ये क्या पृष्ठभूमि थी, दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, पृष्ठभूमि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह तय की थी कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में जो परिसंपत्तियाँ हैं उनको अलग किया जाए, तो उन्होंने निर्देशन दिया था करीब 2.5-3 साल पहले कि जो अलकनंदा का जो ये पर्यटक आवास गृह है, ये हम उत्तराखंड को हैंडओवर करते हैं और अपना नया जो है पर्यटक आवास गृह हम बना लें। 100 कमरे का उन्होंने तय किया था, तो 100 कमरे का पर्यटक आवास गृह अब तैयार हो गया है, ये अब चालू हो जाएगा। और इसमें आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, पूर्व मुख्यमंत्री गण, यहाँ के माननीय मंत्रीगण और पर्यटन मंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के ये काम पूरा हो रहा है। अवस्थी जी, परिसंपत्तियों को लेकर जब से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बंटवारा हुआ 2000 के बाद से बहुत विवाद था, लेकिन दोनों में जब सरकारें भारतीय जनता पार्टी की आईं और जो मुख्यमंत्री दोनों आपस में समझौता किए, तो बहुत सारी चीज़ें समाप्त हो गई। जी, काफ़ी मामले जो है अब हल कर लिए गए हैं आपसी सहमति से। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में सभी अफसरों के साथ जो है अभी कुछ समय पहले लखनऊ में बैठक हुई थी, और ये उच्च स्तरीय बैठक में सभी अधिकारियों को बैठाकर इसका काफ़ी हद तक हल निकाल लिया गया है, और आगे भी जो मामले रह गए हैं उनका भी हल बहुत जल्दी निकालने का दोनों माननीय मुख्यमंत्री गण का आदेश है। पर्यटन मंत्री जी, जो समस्याएं हैं पर्यटन को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, वो कैसे बेहतर करेंगे, आप लोगों ने एक रूपरेखा बनाई है, दोनों जगह सरकारें, केंद्र में भी सरकारें, भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और प्रदेश की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार, दोनों का प्रयास है कि हम उत्तर प्रदेश को फर्स्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। विदेश की धरती का पर्यटक हो या हिंदुस्तान के किसी प्रदेश का आने वाला पर्यटक हो, उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनाए, उसके लिए वो सारी चीज़ें हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं जो अपेक्षित हैं। बहुत साधु संत सन्यासियों को भी बुलाया गया है, महामंडलेश्वर, बहुत अखाड़े के लोग भी आ रहे हैं। सनातन धर्म की इस धरती पे जहाँ हरि का द्वार हो, जहाँ चारों हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री धाम, केदारनाथ के पवित्र संगम पे, गंगा के तट पर भव्य और दिव्य इस कार्यक्रम में कौन शरीक नहीं होना चाहेगा। सारे महात्मा संत आए हैं, तपस्वी आए, उनका आशीर्वाद मिलेगा हम लोगों को। अगर हम लोग भागीरथी को दर्शकों को दिखाएं, बड़ी उत्सुकता है अवस्थी जी, दर्शक ये जानना चाहते हैं कैसा बना है भागीरथी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ जरा दिखाएं, अंदर जाकर देखिएगा। हम लोग तो अभी निकल जाएंगे कार्यक्रम के लिए, अंदर जाके देखिएगा, 100 कमरे हैं, ऊपर के फ्लोर पर स्वीट्स भी हैं, और इसकी छत से जो है दोनों तरफ जो है पूरा बहुत ही बढ़िया जो है व्यू दिखता है।
कल माननीय मंत्री जी ने भी निरीक्षण किया है और पर्यटन के हमारे प्रमुख सचिव सबको ये निर्देश दिए हैं कि इसको जो है इस प्रकार किया जाए कि आसपास के जो पर्यटन स्थल हैं उनको देखने के लिए यहाँ एक अच्छी सी व्यवस्था कर दी जाए, जिससे जो भी आए भागीरथी में उसको एक पर्यटन के स्थलों के दूर से देखने का भी लाभ मिल सके। अच्छा, बद्रीनाथ में भी उत्तर प्रदेश पर्यटन की तरफ से कुछ बन रहा है क्या? जी, बद्रीनाथ में भी जो है वहाँ पर पर्यटन आवास का पर्यटन विभाग का बन रहा है और वो भी काम उसका शिलान्यास दोनों माननीय मुख्यमंत्रीगण के समक्ष हुआ था और वो काम भी अब बहुत जल्दी शुरू हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अवस्थी जी, अगर हम लोग रुकना चाहें और यूपी के लोग रुकना चाहें तो जनता ये जानना चाहती है कि क्या प्रोसेस होगा? देखिए, ऑनलाइन व्यवस्था होती है यहाँ पे, ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत पर्यटन विभाग अपनी व्यवस्था करता है और उसको बुकिंग करता है, वो बहुत ही ऑनलाइन व्यवस्था से पूरा काम। आइए मंत्री जी, जरा भागीरथी में देखा जाए कैसे क्या व्यवस्था है। आप देखिए, हम लोग निरीक्षण कर चुके हैं, आदरणीय निरीक्षण कर चुके हैं, दर्शक भी जानना चाहते हैं, उस क्वालिटी को देखना चाहते हैं, बड़ी उत्सुक हैं। 100 कमरे हैं, बहुत ही सारी व्यवस्थाओं से सुसज्जित कमरे हैं, स्वीट्स हैं 10 और इसमें लोग बेहतरीन प्रवेश द्वार पे, दिल्ली से या कहीं से भी आएगा तो एंट्री द्वार पे, हरिद्वार के एंट्री, एकदम एंट्री द्वार पे है। जो देहरादून जाएगा, जो ऋषिकेश जाएगा, उत्तराखंड के एंट्री द्वार पे हम व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सुसज्जित और सभी के लिए सुगम ऑनलाइन व्यवस्था है, बेहतरीन पर्यटकों के लिए संसाधन सुविधा है। 2.5 साल में बन के तैयार हो गया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यूपी राज्य की निर्माण निगम की। जी, बहुत ही अच्छा काम हुआ है, तेजी से भी काम हुआ है और निरंतर उसको जो है मॉनिटर किया गया है और इसमें अब आगे भी इस भागीरथी को और खूबसूरत कैसे किया जा सकता है, आगे भी इस पे काम होता रहा। पहाड़ी शैली में बनाया गया है, कहा जाता है कि पहाड़ी शैली है जो स्ट्रक्चर का, इसे पौराणिक मानता परंपराओं के अनुसार निर्माण हुआ है। यही वहाँ हम लोगों का बद्रीनाथ पे भी होने जा रहा है, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करने का, पुनरोत्थापित करने का, संवर्धित करने का ये प्रयास है। लोगों को एक भाव, एक आत्मीयता लगे कि हम अपने एक धार्मिक स्थल का भ्रमण करने आए और देवभूमि उत्तराखंड पर जब प्रवेश कोई भी यात्री करेगा, कोई पर्यटक करेगा तो उसको आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मिक शांति मिलने का मिले। आपने देखा कि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गृह, ये लोग निरीक्षण कर रहे हैं और रात से ही आकर और इसे भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश है। अलकनंदा का हैंडओवर होगा और भागीरथी का लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में तमाम उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी मंत्री यहाँ मौजूद रहेंगे, उत्तराखंड के तमाम मंत्री अधिकारियों से कितना महत्व है, किन किन चीजों का ख्याल रखा गया है दोनों के निर्माण में, इसके बारे में तफसील से जानकारी आपने दी है, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। वृक्ष वहां की तस्वीरें जब सामने आनी लग जाएंगी, सीएम योगी वहां पर पहुंचेंगे, पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, तमाम बड़े दिग्गज पहुंचेंगे, तो उस वक्त भी सबसे पहले तस्वीर हम दिखाएंगे दर्शकों को। बात ललितपुर से चंदौली तक लाल सियासत की, अखिलेश यादव ने बुधवार को ललितपुर कांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। अब अखिलेश यादव चंदौली भी जाने वाले हैं, चंदौली वो 9 मई को जाएंगे ऐसी जानकारी है। आपको बता दें कि चंदौली में पुलिस एक आरोपी के घर दबिश देने के लिए पहुंची हुई थी और उसी दौरान आरोपी की बेटी की संदिग्ध मौत हुई थी, जिसे लेकर पुलिस पर कई सवाल अखिलेश यादव दाग रहे हैं। समाजवादी पार्टी उठा रही है कई सारे सवाल पुलिस को लेकर। देखिए, पहले ललितपुर गए, वहां पर जाकर के परिजनों से मुलाकात की और अब चंदौली भी अखिलेश जाने वाले हैं। 9 मई की तारीख बताई जा रही है जब चंदौली पहुंचेंगे अखिलेश यादव। देखिए, 9 मई को चंदौली पहुंचने का उनका कार्यक्रम है, चंदौली में पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करेंगे 9 मई की तारीख। अब आइए आपको सुनवाते हैं आखिरकार अखिलेश ने ललितपुर में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद क्या कुछ कहा था। अखिलेश जी हमारे साथ हैं, सर किस तरह से देखते हैं आप ललितपुर आए हैं और जो खाकी अनुसार किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं और एक घटना नहीं, कई घटनाएं ऐसी हुई हैं। चंदौली की हाल ही में घटना है जहां पर पुलिस घुस गई घर में, मारपीट की, एक बहन की जान चली गई, उसको स्टोरी दूसरी बनाना चाहते थे कि वो फांसी पे खुद लटक गई, लेकिन बाद में जब सब लोग वहां शामिल हो गए और जब मांग की तो सच्चाई सामने आने लगी। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ पुलिस, जिस पुलिस से आप चुनाव जीतना चाहेंगे, जिस पुलिस को आप पंचायत चुनाव में लगा दोगे चुनाव जीतने के लिए, पर्चा छीनने के लिए, जिस पुलिस से आप एमएलसी चुनाव जीतना चाहेंगे,
तो आप उम्मीद क्या करते हो उस पुलिस से? कहीं पता कर लीजिए, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से पुलिस पे आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, वो अराजकता के केंद्र बन गए हैं। सर आपका क्या कदम रहेगा? मुख्य विपक्षी लगातार इन घटनाओं को सदन में उठाएंगे और इस परिवार की, पीड़ित परिवार की मदद करेंगे, कानूनी मदद भी करेंगे और अगर अलग से भी हमें मदद करनी पड़ेगी, हम सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या मदद करेगी। हमारी पार्टी के लोग और उस समाज के लोग, जिस समाज के लोगों के साथ घटना होती है, उस समाज के हमारे सभी नेता लगातार उन घटनाओं में पहुंच रहे हैं। तो अखिलेश यादव को आपने सुना इसी पर, और जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं और जानकारी लेते हैं। शैलेश, देखिए पहले ललितपुर पहुंचे अखिलेश यादव, वहां पर जाकर के पीड़ित परिवार से मुलाकात की, अब चंदौली वो जाने वाले हैं। 9 मई की तारीख बताई जा रही है जब चंदौली अखिलेश यादव पहुंचेंगे। कुल मिलाकर के इन दोनों ही मामलों को लेकर बेहद आक्रामक हो गए हैं सरकार पर अखिलेश यादव। शैलेश, देखिए निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अगर बात करिए तो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, और ऐसे में अगर देखिए राजनीति का ये नियम है कि विपक्षी जो होते हैं उनकी भूमिका भी ये होनी चाहिए कि वो अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम करते हैं, ये उनकी भूमिका हमेशा देखने को मिलती है। और इसी कड़ी में अगर आप देखिए तो अखिलेश यादव जो है वो सपा के अध्यक्ष है, और इस समय तो उनके सामने चुनौती और भी ज़्यादा है। सिर्फ विपक्षी दल की भूमिका नहीं निभानी है, बल्कि जिस तरह से बात करें जो पार्टी के अंदर की तमाम चीज़ें चल रही, उन हालात में अपने आप को भी सिद्ध करना है तमाम चीज़ों में, और लगातार एक्टिव है अखिलेश यादव। अभी ललितपुर होकर आए और अब चंदौली का जो कार्यक्रम है 9 तारीख को सुबह 10 बजे वो बाई रोड जाएंगे लखनऊ से, और दोपहर 3 बजे वो उस गांव में पहुंचेंगे जहां का वो पीड़ित परिवार है, क्योंकि जो घटना हुई थी पीछे आरोप लगा पुलिस पर कि एक स्ट्रीट शीटर के घर में पुलिस जाती है और वहां पर उनकी लड़कियों से मारपीट होती है जिसमें एक लड़की की मौत भी हो जाती है, एक का भी इलाज चल रहा है, जो उसके पिता है वो भी अब अस्पताल में एडमिट हो चुके हैं। और इसे लेकर देखिए सिर्फ मामला पुलिस पर सवाल उठाने का नहीं रहा, बल्कि ये मामला जुड़ गया, इसमें राजनीति और जातिगत चीज़ें जो जुड़ गई, जिस तरह से ये आरोप लगने लगे कि अखिलेश यादव की तरफ से भी ये आरोप लगाए गए कि जो कार्रवाई हो रही है, जो इस तरह की घटनाएं हो रही है वो एक जाति विशेष के लोगों के साथ हो रही है, तो ये चीज़ें जो जुड़ती चली गई है, तो इसकी वजह से सियासत और तेज़ है। और अब 9 तारीख को अखिलेश यादव चंदौली जाएंगे, पहले ललितपुर होकर आए, हमने सुनवाया उन्होंने वहाँ पर किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की, तो अब ललितपुर के रास्ते वो एक बार फिर से सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे 9 तारीख का जो उनका कार्यक्रम है। तो अब लगातार देखिए पहले चंदौली की घटना, प्रयागराज की घटना, ललितपुर की घटना, जो तमाम घटनाएं हुई है, कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को एक मौका मिला है सरकार के ऊपर हमलावर होने का। और सबसे बड़ी चीज़ जो लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, उसमें पुलिस की जो भूमिका है वो सवालों के घेरे में आई है। गलती भले पुलिस विभाग से हो, लेकिन देखिए जो हमेशा घेरा जाता है वो सरकार को घेरा जाता है, क्योंकि जब व्यवस्था अच्छी होती है तो भी सरकार उसका क्रेडिट लेती है, और जब व्यवस्था में गड़बड़ी कहीं पर होगी तो निश्चित रूप से अगर क्रेडिट लिया है तो उसके बाद वहाँ पर आपको विपक्ष के आरोपों को भी झेलना पड़ता है। और यही वजह है कि अभी इन पूरे मामलों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो भी काफ़ी सख्त हो चुकी है। ललितपुर की घटना में आप देखिए कि किस तरह से जो आरोपी पुलिसकर्मी था उसको प्रयागराज से किस तरह से गिरफ्तार किया गया, उसके नंबर को सर्विलांस पर लगाकर, यानी पूरी तरह से टीमें जुट गई थी। लगातार लखनऊ से भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोशिश ये कि किसी भी तरह से जो ये घटनाएं सामने हो रही है इन पर अंकुश लगाया जा सके, ताकि व्यवस्था भी सही रहे और दूसरी तरफ विपक्षियों को कोई मौका भी ना मिले। लेकिन फिलहाल तो जो हालात है, विपक्षियों को भरपूर मौका मिल रहा है सरकार को घेरने का, सरकार पर निशाना साधने का। और इसी कड़ी में एक बार अखिलेश यादव अब जब 9 तारीख को जाएंगे चंदौली, तो फिर से देखना होगा किस तरह से सरकार पर हमलावर होते हैं। और क्योंकि अभी देखिए 5 तारीख हुई है, तो यह भी देखना होगा कि इन 4 दिनों के बीच में आगे चंदौली की घटना में किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस बात पर निर्भर करेंगी कि वहां पर कार्रवाई की जो रूपरेखा वो किस तरह की रही है, क्योंकि उसके आधार पर अखिलेश यादव अपना बयान भी देंगे, वहां से निशाना भी उसी के आधार पर साधेंगे। बिल्कुल ठीक है शैलेश, खाकी पर जो सवाल उठे, ललितपुर की बात हो या फिर बात चंदौली की हो, अब विपक्ष की भूमिका इसी तरीके से आक्रामक होनी भी चाहिए। कई सारे सवाल दागे गए पुलिस पर, पुलिस की भूमिका को लेकर अखिलेश यादव बेहद आक्रामक है। ललितपुर वो गए, वहां से निकले तो उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया, अब चंदौली जब पहुंचेंगे उसके बाद वहां से जब आते हैं, हालातों को वहां पर देखते हैं, कार्रवाई किस तरीके से हो रही है उसको देखेंगे, उसके बाद वो सरकार को किस तरीके से घेरते हैं इस पर लगातार नजर होगी। चले